हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी ओप्पो A15 है तो कैसे आप मैसेज रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही सिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने फ़ोन के सेटिंग्स को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद जो है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सबसे नीचे जो है आपको साउंड एंड वाइब्रेटिंग का जो ऑप्शन जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको सबसे नीचे मैसेज टून का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको इसमें से आपको दो तीन रिंगटोन चला के भी दिखा देता हूँ। आपको जो भी मैसेज रिंगटोन में आपको सेट करना है, आपको उस पर क्लिक करके आपको बैक चले जाना है। अगर आपके फ़ोन में कोई मैसेज रिंगटोन पहले से ही है या आपको वो सेट करना है तो आपको जो है फ़ोन मैसेज रिंगटोन पर दोबारा से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको सबसे टॉप में सेलेक्ट फॉर्म फाइल का जो ऑप्शन जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके फ़ोन में जो भी मैसेज रिंगटोन है आपको उस पर क्लिक करके बैक चले जाना है। तो आप इसी तरह से मैसेज रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। और कोई फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।